हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुभम पुरोहित आपका ज्योग्राफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ड्रिंस पर मैग्नेट ड्रिंस जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और छठवीं से लेकर बारहवीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं साथ ही साथ अगर आप ई e नोट्स और ई e बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है में में हिंदी माध्यम हम जिन को कवर करते हैं वो हैं वो डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कक्षा बारहवीं की बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक का चैप्टर नंबर एट पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए थे उनके मॉडल आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक से संबंधित हैं इस चैप्टर से संबंधित हैं जो हमें लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यह है कि आपके एनसीआरटी की बुक जो होती है उसमें चैप्टर से संबंधित जो एमसीक्यूज MC, होते हैं एन जो उस पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें संख्या बड़ी सीमित होती है जैसे इस चैप्टर की ही बात की जाए तो यहाँ पर एन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो दो दिए गए हैं लेकिन सिर्फ दो या तीन प्रश्नों को सॉल्व करने कर लेने भर से आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती इसलिए हम लोग आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं उन क्वेश्चंस का संग्रह आप लोगों तो के लिए लेकर आते हैं हैं तो चलिए स्टार्ट करते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए पहला प्रश्न दिया गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अगर दो देश है मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना की हम बात करें अगर इन दोनों के बीच व्यापार हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे अंतरदेशीय व्यापार बाह्य व्यापार स्थानीय व्यापार या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भाई इंडिया एक अलग राष्ट्र है चाइना एक अलग राष्ट्र है और इन दोनों के बीच अगर व्यापार होगा तो ऐसे व्यापार को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे क्या बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतरदेशीय व्यापार तो ऐसा व्यापार जो एक ही देश के अंदर जैसे मान लीजिए मुंबई से सामान जा रहा है दिल्ली तो इसे हम अंतरदेशीय व्यापार बोलेंगे बाहर व्यापार तो बाहर सामान भेजना है लेकिन पर्टिकुलर इसमें नहीं बोल सकते स्थानीय व्यापार जो लोकल लेवल पर होता है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलते हैं दूसरा प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है कुल मिलाकर सातों महाद्वीप में हम लोगों को यह बताना है कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा व्यापार करने की क्षमता पाई जाती है और और सबसे ज्यादा व्यापार कौन कौन से देश सा महाद्वीप करता है है एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका अफ्रीका की बात हो रही तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका अगर हम विश्व व्यापार के प्रवाह की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रवाह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होता है अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है ये करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है कोई जरूरी नहीं है कि आज उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है पांच साल बाद वही स्थिति जो है रिमेन रहेगी कांस्टेंट रहेगी ऐसा नहीं रहेगा हो सकता है यूरोप आगे निकल जाए एशिया आगे निकल जाए लेकिन करंट डेटा के हिसाब से उत्तरी अमेरिका इसका सही आंसर होगा चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का पिन्चानवे प्रतिशत किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है जाम्बिया एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और जाम्बिया ये जो देश है अपनी मुद्रा का जितना उसे पैसा मिलता है 95 परसेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज से मिलता है वो क्या है तांबे से नगदी फसलों से रबर से या फिर मशीनों से आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तांबे का निर्यात दरअसल जाम्बिया में तांबे की खजाने पाई जाती हैं तांबे का खनन होता है कॉपर को तांबे को निर्यात करने से उसे सौ रुपए में से लगभग पंचानवे रुपए किससे मिलते हैं तांबे के निर्यात से ही मिलते हैं पूरे विश्व में जाम्बिया तांबे का निर्यात करता है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा सही आंसर है ऑप्शन ए तांबे का निर्यात चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बहुत आसान क्वेश्चन कि अगर हम किसी देश से सामान मंगाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे व्यापार निर्यात आयात या फिर बाह्य व्यापार अगर हम किसी पर्टिकुलर देश से हमारे देश में सामान मंगाते हैं तो इसे बोला जाता है आयात क्या बोला जाता है आयात तो सही आंसर इसका होगा आयात यानी इंपोर्ट ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए मतलब दुनिया के जितने महान पत्तन हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं नौसेना पत्तन विस्तृत पत्तन तेल पत्तन या फिर औद्योगिक आप लोगों को बताना है पर दुनिया के अगर हम पत्तनों की बात करें तो सबसे महान पत्तन जो होते हैं वो विस्तृत पत्तनों के अंतर्गत आते हैं और विस्तृत पत्तन मैंने बताया था जहां पर सामान्य गुड्स जो होता है सामान जो होता है वो भेजा जाता है सामान्य सामान की बात कर रहा हूं मैं और थोक जो सामान होता है वो भी भेजा जाता है बहुत बड़े स्तर पर तो दुनिया के अधिकतर जो पत्तन है वो विस्तृत पत्तन के अंतर्गत आते हैं नौसेना पत्तन मतलब सामरिक महत्व के पत्तन होते हैं रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पत्तनों को नौसेना पत्तन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं तेल पत्तन मतलब जहां से तेल के कंटेनर जो है एक देश से दूसरे देश जाते हैं और औद्योगिक पत्तन जहां पर बल्क में थोक में सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है लेकिन सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी विस्तृत पत्तन तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे सही आंसर गेस कर पा रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए छठवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता था वेरी आईएमपी प्रश्न डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा रेशम मार्ग हम लोगों ने देखा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार पहले बहुत बहुत सीमित मात्रा में होता था लिमिटेड होता था एक देश से दूसरे देश में सामान बहुत कम भेजा जाता जा था लेकिन उस समय भी रेशम मार्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो चीन को रोम से कनेक्ट करता था चीन को किससे कनेक्ट करता था रोम से कनेक्ट करता था और इटली रोम आप लोगों को पता ही है और भारत से भी रेशम गुजरता था याद रखिएगा ईरान होता हुआ तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए चीन जापान वियतनाम और म्यांमार सही आंसर नहीं है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है चलिए सातवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं साफ साफ्टा की उत्पत्ति कब हुई साफ्टा आप लोगों को पूछा जा रहा है 2006 में उन्नीस में उन्नीस में या उन्नीस में साफ्टा आप लोगों को एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था सार्क सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर

लोगों को साफ्टा का फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चलिए कमेंट बॉक्स में साफ्टा का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करिए देखना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसे पढ़ा और बस आगे निकल गए नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में डेफिनेटली साफ्टा से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है मैंने पहले भी बताया है रीजनल जो संस्थाएं हैं क्षेत्रीय संस्थाएं है, व्यापारिक महत्व की वो आपके चैप्टर में इस साल हटा दी गई हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशंस एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देखेंगे कि रीजनल संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन भी वहां पर शामिल कर लिया गया है मतलब मेन चैप्टर में चीजें हटा दी गई हैं लेकिन एक्सरसाइज में चीजें शामिल हैं इसलिए यहां पर साफ्टा ये जो क्वेश्चन है मैंने पूछा है जो बहुत महत्वपूर्ण है ईयर आप लोगों को बता दिया है आप लोगों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चलते हैं आठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है वेरी आईएमपी प्रश्न है इसको आप लोग मार्क कर लीजिए वेरी आईएमपी प्रश्न विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यू का मुख्यालय कहां है है बताना जिनेवा वियना न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन इसका जो सही आंसर है वो है जिनेवा कहां पर है जिनेवा जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि विश्व के अधिकतर जो बड़े बड़े मुख्यालय हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं उनका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में भी स्विट्जरलैंड में स्थित है चलते हैं नवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं ओपेक के बारे में पूछा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज कुल मिलाकर ये ऐसे देशों का समूह है ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर पेट्रोल मिलता है कच्चा तेल मिलता है और ये पूरे देशों को पूरी दुनिया के देशों को निर्यात करती हैं, ये ओपेक कंट्रीज तो आप लोगों को बताना है, इनका मुख्यालय कहां पर है वियना जकार्ता हनोई या फिर जेनेवा ठीक है अब जेनेवा इसका सही आंसर नहीं होगा वियना इसका सही आंसर है वियना कहां पर है ऑस्ट्रिया में है ठीक है सही आंसर है ऑप्शन ए वियना उम्मीद करता हूं प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा आंसर है वियना दसवें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वाट गेट साट या नाट भैया नाट साट वाट ऐसा कुछ होता ही नहीं है विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यू को पहले गेट के नाम से जाना जाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड के नाम से हम गेट को बोलते हैं 1948 में गेट बना था जो बाद में डब्ल्यू बन गया और डब्ल्यूटीओ बना 1995 में आप लोगों को याद रखना है और विश्व व्यापार संगठन से पहले यानी डब्ल्यू से पहले गेट जो है वो संस्था एग्जिस्ट करती थी तो सही आंसर है ऑप्शन बी ट उम्मीद करता हूं ये सभी प्रश्न दस प्रश्न हम लोग देख चुके हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे आप वीडियो से जुड़े होंगे एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए तुरंत वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट्स पूछ लेना है प्रश्न मेंशन करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं जिस भी प्रश्न में डाउट होता है प्रश्न देख लेते हैं ग्यारहवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रों ने व्यापार के क्षेत्र में क्या किया प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच हुआ था द्वितीय विश्वयुद्ध उन्नीस सौ उनचालीस से चौवालीस के बीच हुआ था इस दौरान राष्ट्रों ने व्यापार के लिए क्या किया हम लोगों को बताना है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर दी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सीमित किया नई वस्तुओं का व्यापार किया या फिर व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया बहुत क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भाई इतनी ही संख्या में सामान जो है एक देश से दूसरे देश में जाएगा क्योंकि लोग डरते थे और इसीलिए 1948 में इन सब चीजों से बचाव के लिए ही तो संस्था बनी थी जिसका नाम था गेट लेकिन वो अस्थायी लेवल पर थी और नाइनटीन में इस गेट को डब्ल्यू के रूप में जाना जाने लगा तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाना ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों ने शुरू किया चलते हैं बारवा प्रश्न देख लेते हैं प्राचीन समय में व्यापार कहां तक सीमित था दूर के क्षेत्र तक स्थानीय बाजारों तक नगरों तक या ग्रामीण क्षेत्रों तक भाई प्राचीन समय में व्यापार बहुत ज्यादा होता नहीं था दूर के क्षेत्र तक तो जाते नहीं थे क्योंकि परिवहन के साधन नहीं थे नगरों तक भी नहीं जाते थे परिवहन के साधन अगेन ग्रामीण क्षेत्रों तक और स्थानीय बाजारों तक तो भाई सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय बाजार नहीं होते स्थानीय बाजार कहीं भी हो सकते हैं तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कि लोकल लेवल पर जो मार्केट था बस वहीं तक व्यापार होता था छोटी मोटी चीजें लोग पैदा करते थे वहां बेच देते थे वापस घर आकर सो जाया करते थे ज्यादा दूर नहीं जाते थे परिवहन के साधन विकसित नहीं थे क्योंकि तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी स्थानीय बाजारों तक तेरहवें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बाजार में किसी वस्तु का क्रय बाजार में किसी वस्तु का विक्रय वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान या फिर इनमें से कोई नहीं भाई व्यापार का मतलब क्या है व्यापार का मतलब सब सिर्फ चीजों को खरीदना होता है क्या नहीं सिर्फ खरीदना नहीं होता व्यापार का मतलब सिर्फ चीजों को बेचना होता है क्या नहीं सिर्फ बेचना भी नहीं होता सिर्फ आपसी सहमति से जो स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है मतलब क्रय विक्रय होता है उसी को व्यापार बोलते हैं वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान व्यापार कहलाता है तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान चलते हैं चौदवा प्रश्न देख लेते हैं आदिम समाज में मतलब पुरातन समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप क्या था किस तरीके से व्यापार होता था वस्तु विनिमय व्यवस्था प्रचलित थी क्या मौद्रिक लेन देन होता था चेक पेमेंट होती थी या इनमें से कोई नहीं भाई प्राचीन समय में चेक कहां से होगा तो चेक तो पूरी तरीके से गलत ऑप्शन हो गया मुद्राएं भी नहीं चला करती थी धात्विक मुद्राएं कागजी मुद्राएं के बदले दूसरी वस्तु जो है उसका क्रय विक्रय किया जाता था जैसे टमाटर के बदले गेहूं ले लेना या गेहूं के बदले चावल ले लेना इस तरीके से क्रय विक्रय होता था चीजों को अदला बदला जाता जा, जाता था और जब चीजों के बदले एक चीज के बदले दूसरी भी चीज जो है वो ली जाती है तो उसे वस्तु विनिमय व्यवस्था यानी बार्टर व्यवस्था बार्टर सिस्टम बोलते हैं तो लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए वस्तु विनिमय व्यवस्था पंद्रवा प्रश्न देख लेते हैं इन शब्दों में से किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है जो आप लोगों को बताना है कि कौन सी विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित टर्मिनोलॉजी है डंपिंग व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार या इनमें से सभी आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कौन सी शब्दावली है भाई डंपिंग का मतलब यह होता है कि एक देश से सामान अपनी लागत से कम कीमत पर दूसरे देश में पहुंचा देना जैसे चीन करता है चीन क्या करता है कि लागत मान लीजिए किसी वस्तु की सौ रुपए आई है चीन क्या करता है उसको पचास रुपए में इंडिया में भेज देता है क्यों? ताकि इंडिया की जो लोकल कंपनी है वो बर्बाद हो जाए लोगों को पचास रुपए की चीज की आदत हो जाए और जैसे ही आदत होगी फिर पचास से रेट वापस सौ कर देगा चाइना तो इस तरीके से चालबाजी करता है इसको हम लोग बोलते हैं डंपिंग अपने देश का प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में डंप करना जैसे कचरा डंप करते हैं ना वैसे ही इसे क्या बोलते हैं डंपिंग बोलते हैं दूसरा है व्यापार संतुलन जैसे कि सौ रुपए का सामान आपने बेचा सौ रुपए का सामान ही खरीद लिया तो प्लस माइनस अगर हो रहा है अगर मान लीजिए बैलेंस बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन मुक्त व्यापार मतलब एक देश से वस्तुओं का दूसरे देश में जाना फ्रीली जाना किसी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल कोई प्रतिबंध नहीं होना कर बहुत कम लगना इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार और तीनों ही ये शब्दावलियां जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हैं तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी पंद्रह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे वीडियो अच्छी लग रही है ना मजा आ रहा है ना अगर वीडियो पसंद आई है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ड्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ड्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंकोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में बिना हिच के कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ लेने हैं ई और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच